अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे शहर में खुश आमदीद। और आज की जो वीडियो है ये हमारे एक व्यूअर मुल्तान से स्पेशल विज़िट करने के लिए 451 गाफ़ रोपड़ियाँ का जो ये कट्टा फार्म है यहाँ पे चौधरी वसीम साहब के, चौधरी अजीम साहब के फार्म पे यहाँ विज़िट करने के लिए आए हैं। तो इस सिलसिले में आज हम उनको विज़िट करवा रहे हैं। और शयान साहब हैं ये मुल्तान से, यहाँ पे स्पेशल आए हैं। ये भी शुरू करने लगे हैं मेरे शहर की वीडियोस को देखकर मालूमात हासिल करके वो यहाँ पे विज़िट करने के लिए पहुँचे हैं। तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करें दोबारा फिर ये कट्टा फार्म की वीडियो। तो अब जो है ये तकरीबन ईद पे 100 जानवर जो है वो सेल होगा। ये अब उसकी सूरत हाल है, मुख्तलिफ जानवर हैं तो 100 जानवर जो है वो कुर्बानी पे ज़िबा करने के लिए तैयार है। तो इनमें से 100 जानवर जो है ना वो ज़िबा किया जाएगा और बेचा जाएगा इस बड़ी ईद पे। तो बाकी जो है वो अब हम आगे चल के इंफॉर्मेशन या बातचीत डिस्कस करते हैं, जैसे जैसे हम स्टेप वाइज आगे जाएंगे जो चीज़ आएगी हम आपको दिखाते जाएंगे। तो उसके लिए आज हम तमाम चीज़ें देख रहे हैं। सबसे पहले हमने विज़िट किया है कि जो ये जो बरामदे नज़र आ रहे हैं आपको पीछे, ये छाँव के लिए हैं। तो ये इसमें मतलब अगर धूप है, गर्मी है तो यहाँ पे हवादार जगह है, यहाँ पे वो जानवरों को दोपहर के वक्त जो है वो आसानी के साथ रखा जा सकता है। और उसके अलावा फिर जब अगर हम देखें सामने ये जो सहन है, सहन में खुली हवा है, खुली जगह है, यहाँ पे जानवर गर्मी से बचने के सूरत में लिए यहाँ पे इजीली रह सकते हैं। और उसके अलावा जो आगे मज़ीद एक पोर्शन बनाया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो इसलिए है कि जनाब जानवरों को हवादार जगह फ्राहम की जाए, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ जी, तो ये वो जगह है, वो ये सामने जो पोर्शन है ये अभी खाली इसलिए है कि दोपहर का वक्त है और दोपहर के वक्त गर्मी ज़्यादा है। तो इसलिए जनाब वो तमाम जानवर वो देखें सामने बरामदों में इस वक्त शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये जो सामने आपको जगह नज़र आ रही है यहाँ पे वो शाम के वक्त आ जाएंगे। खुली हवा है, चारों तरफ जो खेत हैं तो यहाँ पे गर्मी नहीं लगेगी। और ये जो जगह है ये जनाब है सैलेज को स्टॉक करने के लिए, तो ये जगह बनाई गई है, सैलेज बना के यहाँ पे स्टॉक कर दिया जाता है और जिस तरह फिर ज़रूरत पड़ती रहती है वो इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो आपको अभी ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ ये जगह है, यहाँ पे जानवरों के नहाने के लिए पानी जमा किया जाता है, दूसरे लफ्ज़ों में स्विमिंग पूल है जानवरों का ये। तो उसका ये फ़ायदा है कि जैसे ही अगर किसी जानवर को तो गर्मी लगे तो वो ये जो रास्ता बनाया हुआ है ये, तो इसके ज़रिए वो पानी में जाके कूल डाउन हो सके। तो बाकी जगह ये है, तो अचानक आए हैं तो फिर ज़ाहिर बात है सफाई वगैरह का थोड़ा इशू हो जाता है, तो लेकिन बारिशें भी हुई हैं ना काफ़ी, तो इसलिए थोड़ा ये मसला है। तो अब जो है वो ईद पे 100 जानवर जो वो कह रहे हैं कि सेल करेंगे। पहले भी हमने इसी फार्म का विज़िट भी किया था और देखा भी था कि क्या सूरत हाल होती है, कितना खर्चा आता है। तो अब जनाब एक दफ़ा फिर ये रोशयान साहब ये ख़ुद फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, मुल्तान से यहाँ पे विज़िट करने के लिए स्पेशल आए हैं। तो उनके भी ख्यालात लेंगे, उन पूछेंगे कैसा लगा है उनको। तो 35,000 रुपये का तकरीबन एक जानवर ख़रीद के, उसके बाद 3 से 4 माह उनको पाल के, तो तकरीबन 10,000 रुपये एक जानवर का खर्च निकाला, एक जानवर पे खर्च आ जाता है। तो इस तरह फिर वो जो मुनाफा है वो जानवर तकरीबन 30,000 रुपये, तकरीबन 20,000 रुपये, 25,000 रुपये ये एक जानवर मुनाफा दे जाता है। और जो हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे की, तो वो सारी जो डिपेंड करती है मेहनत पे और तादाद पे। तो जितनी ज़्यादा तादाद होगी, अगर जानवर एक कम भी पैसे बचाए तो अगर तादाद ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से फिर वो इनकम भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जनाब आप देख सकते हैं कि इनमें से 100 जानवर जो ऐसे हैं वो इस ईद पे, तकरीबन अभी 20 दिन बाकी हैं ईद में, तो इस ईद पे 100 जानवर जो सेल करने के लिए तैयार है। और जो जानवर अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, ऑनलाइन देखना चाहते हैं, तो हमारी एक वेबसाइट malmandi.com के नाम से आप विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब चैनल माल मंडी, इसके अलावा फेसबुक पेज है malmandi.com। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये आप इस्तेमाल करके यहाँ पे जानवर की ख़रीदो फरोख्त भी कर सकते हैं।
ये देखें जी, गर्मी से बचाने के लिए ये एक तरीकाकार अपनाया, ये ऊपर पाइप के अंदर सुराख करके तो ऊपर से पानी गिर रहा है यहाँ पे, ये गर्मी से बचने के लिए यहाँ आ जाते हैं जानवर, और फिर यहाँ पे वो जो टेम्परेचर को लो करने के लिए पानी में नहाते हैं। हाँ जी, तो अब बात करते हैं हमारे मुल्तान से तशरीफ़ लाए हुए जनाब सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं मेरे शहर के, रोशयान साहब, ये भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, इनसे पूछते हैं कैसा लगा इनको यहाँ पे आके। अस्सलाम वालेकुम जनाब शयान साहब। वालेकुम सलाम। कैसा लगा है आपको ये फार्म देख के? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी यहाँ पे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है। बाकी इंशाल्लाह जाके अपना काम स्टार्ट करें। काम स्टार्ट करने लगे हैं फिर वहाँ पे मुल्तान में? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और इन्फॉर्मेशन कैसी मिली है आपको? बहुत अच्छी जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक और बेहतर करे इसे। बाकी तो मेरे शहर के जो व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आप मेरे चैनल को विज़िट करके आपको कैसा लगा है? जी जी उस्मान भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, भाई के साथ शेयर करते रहते हैं ये वो, तो जो भी माशाल्लाह पैगाम दे उसको लाइक करें, और जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं बहुत अच्छी देते हैं। बाकी इसके बाद इंशाल्लाह आप जाके अपना काम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो मज़ीद ज़बरदस्त वीडियोज़ के लिए मेरे शहर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।